कुएं में रहने वाली जादुई जलपरी। 5 वर्ष की साक्षी और 8 वर्ष की सोनम अपने माता पिता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। साक्षी के पिता का नाम संजय था और माँ का नाम सरस्वती। संजय एक मजदूरी करने वाला श्रमिक जो गांव में बनने वाले घरों में मजदूरी करता था, जिससे उसे रोजाना मजदूरी मिल जाती थी। उससे वो घर का राशन और कामकाज की चीजों को खरीद लेता था। संजय की मजदूरी बहुत कम थी, जिस वजह से वो अपने परिवार की छोटी मोटी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। पापा देखो ना, मेरे स्कूल के जूते फट गए हैं। स्कूल के सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे नए जूते दिला दो ना। और देखो पापा, मेरी स्कूल की ड्रेस भी फट गई है। टीचर ने कहा है कि नई ड्रेस पहनकर आना है, नहीं तो स्कूल मत आना। पापा मुझे स्कूल की ड्रेस दिलवा दो ना। ठीक है बेटा, तुम दोनों को मैं जूते और ड्रेस दिलवा दूंगा, परंतु अभी थोड़ा इंतजार करो। जैसे ही थोड़े ज्यादा पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, तब तक तुम यही पहनकर काम चलाओ। संजय अपनी दोनों बेटियों को समझाकर अपने कामों में लग जाता है, परंतु संजय इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था कि जैसे जैसे उसकी लड़कियां बड़ी होती जा रही है, उसके ऊपर परिवार का भार बढ़ता जा रहा है। संजय अपने काम पर जाता है और अपना काम करने लगता है। तभी वहां पर एक सेठानी संजय को अपने पास बुलाती है। सुनो इधर आओ जरा, तुम यहाँ पर काम कर रहे हो? आज तक तो पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ मैम साहब, मैं आज यहाँ पर काम पर लगा हूँ। मैं एक मजदूर हूँ और दिहाड़ी पर काम करता हूँ। जहाँ काम मिल जाता है वहाँ कर लेता हूँ। दिखने में तो तुम बहुत हुष्ट पुष्ट लगते हो, फिर तुम ये मजदूरी क्यों करते हो? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो? मैम साहब, मुझे नौकरी कौन देगा? मैं पढ़ा लिखा जो नहीं हूँ। तो क्या हो गया, बिना पढ़े लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं क्या? आज तुम ये काम कर लो, परंतु कल से तुम मेरे यहाँ पर नौकरी करने आ जाना। मैं तुम्हें महीने के 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगी। बोलो मंजूर है? अरे मालकिन, मुझे मंजूर है। आप तो भगवान है, आपने मुश्किल समय में मुझे नौकरी दी है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इतना कहकर सेठानी अपने घर चली जाती है और संजय अपनी मजदूरी में लग जाता है। मजदूरी खत्म करने के बाद वो ठेकेदार के पास जाता है और अपनी मजदूरी ले लेता है। आज संजय बहुत खुश था। अरे वाह, अब तो मालकिन ने मुझे नौकरी दे दी है और वो मुझे महीने के 10,000 रुपए देंगी। मुझे तो बहुत मुनाफा हो गया है, अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। आज क्यों ना कुछ मिठाइयाँ खरीद कर घर ले जाऊं, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। संजय दुकान से मिठाइयाँ खरीद लेता है और खुशखबरी लेकर अपने घर पहुंच जाता है। संजय अपनी सारी बातें और कहानी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बताता है। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग खाना पीना खा कर सो जाते हैं। अगले सुबह उठकर संजय सेठानी के घर पर जाता है और सेठानी उसे घर में एक नौकर के रूप में रख लेती है। संजय नौकर बनकर सेठानी की सेवा करता है। संजय की स्थितियां पटरी पर आ गई थी। अब वो घर का खर्चा, अपनी बेटियों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा अच्छे से चला रहा था। एक दिन संजय और सेठानी आपस में बात करते हैं। कसम से संजय, जब से तुम इस घर में काम करने लगे हो, मेरा मन घर में लगा रहता है। पहले तो मानो मैं पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी, परंतु अब देखो मैं कितना खुश रहने लगी हूँ। हाँ मालकिन, आप अब पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो गई हो। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो मालकिन। क्या तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ और अच्छी भी लगती हूँ। संजय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या मालकिन, आप ये क्या कह रही हो? अब जानती हो मेरी भी एक पत्नी है और 2 बच्चियां भी है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको पसंद तो करता हूँ, पर ये नहीं हो सकता। पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी और फिर तुम्हारी बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, ध्यान रखना। सेठानी संजय को अपनी बातों से धमका देती है और संजय को कुछ समझ नहीं आता।
संजय अपने घर वालों को बिना बताए ही सेठानी से विवाह कर लेता है और सेठानी के घर रहने लगता है। संजय अपने परिवार को भी सेठानी के घर में ले आता है। कुछ दिन तक सेठानी सभी के साथ अच्छे से रहती है, परंतु धीरे धीरे संजय की पत्नी सरस्वती से और उसकी दोनों बेटियों से घर के काम करवाने लगती है और गलती हो जाने पर दोनों बच्चों को बहुत मारती है। तुम दोनों बहुत ज्यादा सर पर चढ़ने लग गई हो, थोड़ा सा लाड प्यार क्या कर लिया, बिल्कुल तमीज भूल गई हो। परंतु तुम्हें सब समझ आ जाएगा, अब कल से तुम दोनों स्कूल नहीं जाओगी, समझ गई, और अपनी माँ के साथ मिलकर घर के काम करोगी। सेठानी दोनों बच्चों को डांट रही होती है कि तभी वहाँ पर सरस्वती आ जाती है। अरे अरे मालकिन, ये क्या कर रही हो, इन दोनों बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है, इन्हें माफ कर दो। किस बात की सजा हम तीनों को मिल रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। जिसके साथ ये सब होना चाहिए उसके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। लगता है ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो इस जन्म में हम भुगत रहे हैं। मालकिन, मेरी दोनों बच्चियों पर रहम करिए, मैं आपके सारे काम कर दूंगी, परंतु मेरे बच्चों को स्कूल जाने से मना मत करिए। मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने तुम्हारे पूरे परिवार का ठेका नहीं ले रखा है। तुम अभी के अभी तीनों मेरा ये घर खाली कर दो, मैं संजय के साथ इस घर में अकेले रहूंगी। इतना कहकर सेठानी वहाँ से संजय को लेकर चली जाती है और ये दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ बैठकर रोने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो बेसहारा कहाँ पर जाएंगे। तभी सरस्वती अपने और अपने बच्चों का सारा सामान लेकर घर से बाहर निकल जाती है। रोते रोते सरस्वती अपने दोनों बच्चियों के साथ एक घने जंगल में पहुंच जाती है। उस घने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी होती है जो कुएं के पास होती है। अरे, मुझे लगता है हमारा यहाँ ठहरना ठीक रहेगा, यहाँ पर पीने के लिए पानी भी है और रहने के लिए ये झोपड़ी भी। कम से कम सर पर छत होगी और पीने के लिए पानी होगा तो हम कुछ दिन आराम से रह सकेंगे, धीरे धीरे करके हम खाने पीने का जुगाड़ भी कर लेंगे। इतना कहकर सरस्वती अपनी दोनों बच्चियों को लेकर उस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर चली जाती है और वो पूरा दिन उसकी सफाई करती है। सफाई करने के बाद अब झोपड़ी की हालत में कुछ सुधार हो जाता है और वो रहने लायक बन जाती है, क्योंकि पूरा दिन काम करते करते बीत गया था। अब दोनों बेटियों को भूख लगने लगी थी, तभी सरस्वती कुएं से जाकर पानी ले आती है। पानी पीकर दोनों बेटियां सो जाती है और सरस्वती भी पानी पीकर सो जाती है। अगली सुबह उठते ही वो लोग इसी तरह पानी पीकर अपना गुजारा करते हैं, परंतु अब पानी पीते पीते दो दिन हो गए थे, अब उन्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए था। आखिर कब तक पानी पी पीकर पेट भरा जाता। तभी सरस्वती अपने दोनों बच्चों को लेकर खाने के लिए पूरे जंगल में भटकती है। जंगल में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। घूमते घूमते काफी देर हो गई थी और अब सभी लोग थक गए थे। दो दिन से कुछ ना खाने की वजह से सरस्वती को अब बहुत चक्कर आने लग गए थे और अब उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी सोनम जाकर कुएं से पानी निकालती है, तभी वो देखती है कि कुएं की एक मछली फड़फड़ा रही है। सोनम ने उस मछली को उठाकर कुएं के अंदर फेंक दिया, तभी एक चमत्कार होता है। वो मछली एक जलपरी में बदल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और बाहर निकलकर सोनम से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की, आज तुम्हारी वजह से मुझे जीवन दान मिल गया है, नहीं तो मैं यहाँ तड़प तड़प कर मर जाती। मैं तुम्हारे बहुत आभारी हूँ, अगर कुछ हो सके तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगी। जलपरी के इतना पूछने के बाद सोनम रोते रोते जलपरी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है और बताती है कि किस तरह उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया और अब उसकी माँ और उसकी छोटी बहन अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। ये सारी कहानी सुनकर जलपरी को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो सोनम और उसके परिवार की मदद करने के लिए कुएं को सोने के कुएं में बदल देती है। सोनम, अभी कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है, ये एक जादुई कुआं है
और ये सोने का कुआं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। जो भी इस कुएं का पानी पिएगा वो कभी बीमार नहीं होगा, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। इतना कहकर जलपरी जादुई कुएं की सभी अच्छी अच्छी बातें सोनम को समझा देती है और फिर अपनी जादुई शक्तियों से सोनम और उसके परिवार के लिए एक सुंदर सा घर बनाकर खड़ा कर देती है। अब सोनम उस कुएं में से पानी ले जाकर अपनी माँ को पिला देती है और उसकी माँ एकदम स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद सोनम अपनी बहन और अपनी माँ को लेकर उस घर में आ जाती है। सोनम अपनी माँ को सारी कहानी बता देती है कि किस तरह जलपरी ने उसकी सहायता की है। अब सोनम और साक्षी मिलकर गांव में जिसको भी कोई कष्ट होता वो उसे उस कुएं का जादुई पानी पिलाकर ठीक कर देते थे। इस तरह सोनम और साक्षी पूरे गांव में प्रचलित हो गए। तभी सोनम और साक्षी के घर के बाहर सेठानी आती है जिसे एक बीमारी हो गई थी। सेठानी को कुएं के पानी के बारे में किसी ने बताया था, इसलिए सेठानी वहां पर पहुंच जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ पर, ये कुएं का पानी तुम ही लोग बांट रही हो क्या? मुझे इस कुएं के पानी की बहुत आवश्यकता है, मुझे एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, क्या तुम मुझे पानी दे दोगी? नहीं, हम तुम्हें ये पानी बिल्कुल नहीं देंगे। तुमने हमारी माँ का घर उजाड़ दिया, हम तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे, तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे माफ कर दो बच्चियों, मुझे अपने किए पर पछतावा है, मैं आगे कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी, कृपया मुझे माफ कर दो। दीदी ने कह दिया ना एक बार कि हम तुम्हें ये जल नहीं देंगे, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती क्या? तुम यहाँ से जाती हो या हम अभी गाँव वालों को बुलाकर इकट्ठा कर ले। साक्षी और सोनम को यूं उस औरत पर चिल्लाता हुआ सुनकर सरस्वती घर से बाहर निकलती है और वो देखती है कि सेठानी घर के बाहर किसी बीमार अवस्था में खड़ी है। अरे बेटा, तुम इनसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? इन्हें इस वक्त जादुई जल की आवश्यकता है, इन्हें जल दे दो। हमें कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने हमारे साथ किया है। हमें सदैव दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। इसके बाद सोनम उस जादुई कुएं से जल लाकर सेठानी को दे देती है। उस जल के पीने के बाद सेठानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और वो अपनी गलती का पछतावा करने के लिए संजय को वापस उसके घर भेज देती है और उसके परिवार से माफी मांगती है। इस तरह अब साक्षी और सोनम को अपने पापा वापस मिल जाते हैं और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से जलपरी की जादुई घर में रहने लगते हैं और अपने आगे का जीवन हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ बिताते हैं। केशवपुर नामक गांव में आशा अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। आशा के माता पिता की बहुत समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, तब से आशा अपने घर में अकेली रहती थी और किसी तरह से अपना गुजारा कर रही थी। आशा के गांव में एक मुफ्त में पढ़ने वाले स्कूल था जिसमें आशा पढ़ने जाया करती थी और गांव के ज्यादातर बच्चे उसी स्कूल में जाया करते थे जहां फीस नहीं लगती थी। आशा के घर के सामने एक रईस खानदान रहता था जिनकी इकलौती बेटी थी नैना। वो गांव में सबसे अमीर लोग थे और उनकी इकलौती बेटी थी जो बहुत ही प्यार से पली बढ़ी थी। नैना अमीर होने के साथ साथ एक जिद्दी और शैतान लड़की भी थी। वहीं दूसरी तरफ आशा एक मेहनती लड़की थी जो सुबह सुबह सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती और वहां से पढ़कर आने के बाद सिलाई का काम किया करती। ये सब देख रही नैना हमेशा आशा का मजाक उड़ाती और उसे चिढ़ाया करती। ऐसी ही रोजाना आशा स्कूल जाया करती और वहाँ से फ्री होने के बाद सिलाई का काम करने चली जाया करती ताकि वो दो वक्त की रोटी खा सके। ऐसे ही एक दिन आशा अपना काम करके घर वापस लौट रही होती है कि तभी नैना उसे चिढ़ाने का मौका ढूंढकर उसे मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाती है और चिल्लाती है, लेकिन आशा उसका कोई जवाब नहीं देती। फिर अगले दिन सभी बच्चे स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। नैना उन सबको रोक कर कहती है, सुनो, दो दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मेरे पिताजी शहर से तरह तरह की पेस्ट्री मंगवा रहे हैं,
सभी बच्चों को अपने अपने हिस्से की पेस्ट्री मिलेगी और मेरा जन्मदिन बहुत ही शानदार तरीके से मनने वाला है, इसलिए उन्होंने सभी को बुलाने का फैसला किया है। 2 दिन बाद बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुम सबको उस पार्टी में जरूर आना है। अरे वाह नैना, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा जन्मदिन है और तरह तरह की पेस्ट्री खाने को मिलेगी, तो हम सब जरूर तुम्हारे जन्मदिन में आएंगे और हम तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आएंगे। तुम सब मेरे लिए गिफ्ट मत लाओ, मेरे स्कूल में पढ़ रहे दोस्त मेरे लिए अच्छा गिफ्ट लेकर आएंगे, मुझे यकीन है कि तुम सब मुफ्त में पढ़ाई करते हो स्कूल में, तो मेरे लिए क्या है गिफ्ट लेकर आओगे। नैना का रवैया देखकर सभी बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद सभी बच्चे नैना के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और शाम के समय सभी बच्चे और आशा तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। वहां जाकर तैयारी देखकर सभी बच्चों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि नैना के इकलौते होने के कारण नैना के पिताजी बहुत अच्छी पार्टी रखते हैं और उसमें बहुत अच्छी सजावट करवाते हैं। सारी सजावट देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है और दूसरी तरफ नैना एक कमरे से बाहर आती है और वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत ड्रेस में दिखती है। नैना की ड्रेस देखकर सभी अंदाजा लगा रहे थे कि वो ड्रेस बहुत ही कीमती होगी। नैना के घर में आए हुए मेहमान नैना को बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं। नैना के स्कूल के बच्चे बहुत अमीर होते हैं, वो भी नैना को कीमती कीमती गिफ्ट देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे खाली हाथ आते हैं। लेकिन आशा नैना के लिए एक चॉकलेट लेकर आती है और कहती है, जन्मदिन की मुबारक हो नैना, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारी ड्रेस तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। मैंने तुम सबको मना किया था ना कि तुम में से कोई भी मेरे लिए गिफ्ट मत लाना, फिर आशा तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम्हारे इस सस्ते से गिफ्ट को देखकर मेरे सभी स्कूल के दोस्त मुझ पर हंसेंगे और तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती होगी। पहले ही तुम अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर आई हो और फिर ये 10 रुपए की चॉकलेट लेकर आई हो। अपनी चॉकलेट अपनी जेब में रख लो, मुझे तुम्हारी चॉकलेट नहीं चाहिए। नैना तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं गरीब ही सही, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आ सकती थी। आखिर तुमने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया, तो मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ, और तुम मुझे इतना बुरा भला क्यों कहती हो? तुम्हारे माता पिता तो कभी मुझे बुरा भला नहीं कहते, वो भी तो हम जैसे है ना। और अगर तुम्हें मेरे फटे पुराने कपड़े दिखते हैं तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। साल में एक दिन होता है जब मेरे सभी दोस्त मेरे घर आते हैं, और उसमें भी तुम्हारे ये फटे पुराने कपड़े देखकर वो मेरा मजाक उड़ाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। नैना की बुरी भली बातें सुनकर आशा को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते हुए उसके घर से चली जाती है, और रोते रोते चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुँच जाती है जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। दादी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? इतने घने जंगल में आप अकेले क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई थी और गलती से इस जंगल में पहुंच गई, लेकिन इसके बाद मैं इस जंगल से बाहर ना जा सकी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं आज पूरा दिन इसी जंगल में भटकती रह गई और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपको खाना खिलाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको सुबह सुबह आपके घर ले जाकर छोड़ दूंगी। इतना कहकर आशा उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने घर ले आती है और घर में रखी रूखी सूखी रोटियां उसे खाने को देती है। बूढ़ी औरत रोटियां खाकर बहुत खुश होती है और खाना खाने के बाद वो एक परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, घबराओ मत, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं एक जादुई परी हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ और मैं तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर तुमसे बहुत खुश हुई। तुम हमेशा से अपनी मेहनत का ही खाती हो, चाहे बेशक तुम्हें रूखी सूखी रोटी ही खानी पड़े, और ये सब देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या सच में आप एक परी हो? लेकिन फिर आपने मेरी मदद क्यों की? आपने किसी और की मदद क्यों नहीं की? इस दुनिया में बहुत कम अच्छे लोग मिलेंगे जो किसी दूसरे की मदद करेंगे, और मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए अपना भेष एक बूढ़ी औरत में बनाया
और तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गई। तुमने मेरी मदद की और तुमने मुझे खाना खिलाया और तुम्हारी इस मदद से मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास आई हूँ। इतना कहकर जादुई परी आशा के आसपास अपनी छड़ी घुमाती है जिसमें से दिव्य रोशनी निकलती है और आशा का रंग रूप कपड़े आदि सब बदल जाते हैं। ये सब देखकर आशा हैरान रह जाती है। उसके बाद जादुई परी आशा को एक जादुई पेस्ट्री देती है और कहती है, ये कोई साधारण पेस्ट्री नहीं है और ना ही तुम इस पेस्ट्री को खा सकती हो, बल्कि इस पेस्ट्री से तुम अपने मन की हर इच्छा को पूरा कर सकती हो। तुम इस जादुई पेस्ट्री से मदद लेकर तुम पेस्ट्री की दुकान खोल सकती हो, और बल्कि सिर्फ पेस्ट्री की ही नहीं, तुम्हारा जो भी दुकान खोलने का मन करे तुम इससे खोल सकती हो और दुकान में पेस्ट्री बेचकर खूब पैसे कमा सकती हो और अपना जीवन बहुत ही आराम से हंसी खुशी गुजार सकती हो। हाँ, मैं सच में एक पेस्ट्री की दुकान ही खोलना चाहती हूँ और आपकी इस जादुई पेस्ट्री से मैं ढेर सारे तरह तरह के पेस्ट्री बनाऊंगी, अपनी दुकान में रखूंगी और उन्हें बेचा करूंगी, जिससे मैं ढेर सारा पैसा कमा सकती हूँ और अच्छे स्कूल में भी पढ़ सकती हूँ। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। इतना कहकर जादुई परी वहाँ से चली जाती है और आशा जादुई पेस्ट्री से कहती है, हे जादुई पेस्ट्री, आप अपने जादू से मेरे लिए तरह तरह की सुंदर दिखने वाली पेस्ट्री की दुकान खोल दो जिसमें सभी जरूरत की चीजें रखी हो और मुझे एक बड़ा सा घर भी रहने के लिए दे दो। आशा के इतना कहते ही जादुई पेस्ट्री के आसपास एक दिव्य रोशनी घूमती है और उसका छोटा सा घर एक बड़े से घर में बदल जाता है और उसके घर के सामने उसकी पेस्ट्री की दुकान भी खुल जाती है। ये सब देखकर आशा बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई पेस्ट्री है जो मेरी हर इच्छा पूरी करेगी। अब मैं इस जादुई पेस्ट्री की मदद से सभी गरीब लोगों की सहायता करूंगी और अपने लिए भी बहुत सारी चीजें मांगूंगी। इस तरह आशा जादुई पेस्ट्री की मदद से अपने लिए तरह तरह के आइटम मांगती है और गरीब लोगों की सहायता करती है। सभी गांव के लोग आशा से बहुत खुश होते हैं और उसके घर में आना जाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर आशा बहुत खुश होती है और इस तरह अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगती है।